हेलो यूट्यूब, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल बुल फिटनेस ऑफिशियल। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा टॉपिक फिर से लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। आज हम एक ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक छोटे से विटामिन के बारे में बात करेंगे जिसको हम सब इग्नोर कर देते हैं, और आज की जनरेशन के लिए ये विटामिन बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ये जो लाल कलर का बटन है उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी मेरी अगली वीडियो आए वो आप तक डायरेक्ट पहुँच जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि कैल्शियम और विटामिन डी सेम चीज़ है, इन दोनों के फंक्शन सेम है। पर ये कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और इन दोनों के फंक्शन भी अलग अलग हैं। 99% कैल्शियम हमारी बोन्स में और हमारी टीथ्स में पाया जाता है, और 1% कैल्शियम हमारे बॉडी सेल्स में पाया जाता है, और 0.1% कैल्शियम हमारे ब्लड में पाया जाता है। अब विटामिन डी जो है उसका मेन सोर्स सनलाइट है। जब हमारी बॉडी सनलाइट के कांटेक्ट में आती है तो हमारी बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। अब D3 और कैल्शियम दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, तो इसीलिए आपको जब भी आप कोई सप्लीमेंट लेने जाते हैं, कोई टैबलेट लेते हैं कैल्शियम की, तो उस पर लिखा होता है कैल्शियम विद विटामिन D3। इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है और हम विटामिन डी के डिफिशियंट हैं, हमारी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है, तो जो कैल्शियम है वो वेस्ट है, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम यहाँ पे और समझेंगे कि जो कैल्शियम है उसको हम सीमेंट मान लेते हैं, वो सीमेंट है, और विटामिन डी जो है वो पानी है। तो इन दोनों का जब मिक्सअप होगा, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ही एक स्ट्रॉन्ग, सीमेंट और पानी जब मिलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग दीवार, एक स्ट्रॉन्ग नींव हम तभी खड़ी कर सकते हैं। तो जब कैल्शियम और विटामिन डी दोनों आपस में मिक्स होंगे तो हमारी बोन हेल्थ और टीथ्स, या जो भी उन दोनों के फंक्शन हैं, वो तभी एक दूसरे के कारण ही पूरे कर पाएंगे। तो अब हमें पता चल गया विटामिन डी का मेन फंक्शन कैल्शियम को हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब करवाना है। तो अब आपको पता चल गया है कि कैल्शियम और विटामिन डी क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं। अब आपको इनकी डोज के बारे में बता देता हूँ। जो कैल्शियम की डोज है वो नॉर्मल एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के लिए 800 से 1000 mg पर डे होती है। अगर वहीं पे कोई प्रेग्नेंट लेडी है या ओल्ड एज के लिए ये डोज थोड़ी सी बढ़ जाती है, 1200 से 1500 mg चली जाती है। अब वहीं बात कर लेते हैं विटामिन डी के डोज की। तो विटामिन डी के डोज की जो नॉर्मल एडल्ट के लिए जो डोज है वो 800 से 1000 IU इंटरनेशनल यूनिट पर डे होती है। वहीं पे अगर प्रेग्नेंट लेडी की बात की जाए या ओल्ड एज की बात की जाए तो वहाँ पे भी विटामिन डी की डोज बढ़ जाती है, वहाँ पे भी ये डोज 1200 IU तक हो जाती है। तो कैल्शियम के डेली डोज की रिक्वायरमेंट आप दूध या दूध से बने जितने भी डायरी प्रोडक्ट्स हैं, पनीर, लस्सी, आपका दही, चीज़, इन सबको कंज्यूम करके पूरी कर सकते हैं। चीज़ को सबसे ज़्यादा कैल्शियम रिच फूड माना जाता है। वहीं आप ग्रीन वेजिटेबल्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सनलाइट है। आप कोशिश करें 30-40 मिनट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में जाने की। वहीं पे एग योक, आपका मशरूम अच्छे सोर्स माने जाते हैं विटामिन डी के। तो अब बात कर लेते हैं कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशेंसी के कारण हमारी बॉडी में क्या नुकसान होते हैं और इनके क्या लक्षण हैं। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे जॉइंट्स में पेन रहता है, हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, हमें हर छोटी इंजरी पे फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, साथ साथ हमारे दांतों में भी दर्द रहता है और कभी कभी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी एक विटामिन कैल्शियम का डिफिशेंसी का लक्षण है। अब बात करते हैं विटामिन डी की डिफिशियंसी के बारे में। तो सेम, हमारे जॉइंट्स पेन, बोन स्ट्रेंथ वीक हो जाती है हमारी, इसके साथ साथ हमें स्ट्रेस, और अगर जनरली हमें नॉर्मल डेली रूटीन में थकान रहती है, मतलब
एकदम लो फील करते हैं, हम लो एनर्जी फील करते हैं, तो ये भी एक विटामिन डी की डिफिशेंसी का मेन कारण है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है या रेगुलर आप इन चीज़ों को फील कर रहे हैं तो आपको अपना विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशेंसी का एक बार टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। तो आपके शरीर में अगर कैल्शियम या विटामिन डी की कमी मिलती है तो आप कंसल्ट करें किसी डॉक्टर से और कोशिश करें पहले तो नेचुरल जो मैंने इसके रिसोर्सेज बताए वहाँ से इस कमी को पूरा करने की। अगर फिर भी आपके बॉडी में जो है कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशेंसी रह जाती है तो फिर जो है बाज़ार में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो भी सप्लीमेंट वो आपको सजेस्ट करें और उसका जितना डोज वो आपको सजेस्ट करें उसी हिसाब से आप उस डोज को कंटिन्यू डे बाई डे स्टार्ट करें लेना और अपनी जो है विटामिन डी की डिफिशेंसी को दूर करें। ये बहुत ही ज़रूरी सप्लीमेंट है, इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप लगातार काफ़ी दिनों से विटामिन डी की डिफिशेंसी पे चल रहे हैं तो आपको रिकेट नाम का रोग हो जाता है। इस रोग के चांसेस बच्चों में ज़्यादा होते हैं और ख़ासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब वो प्रेग्नेंट अवस्था में होती हैं तो उनको विटामिन डी सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो विटामिन डी की कमी में प्रेगनेंसी करती हैं तो चांसेस हैं कि उनके बच्चे को भी जो है विटामिन डी की कमी रहेगी बचपन से ही और उसको रैकेट रोग होने के चांसेस हो जाते हैं। अब आपको पता होगा रैकेट रोग क्या होता है, आपकी बोन्स में जो है गैप हो जाता है, आपकी बोन्स इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो टेढ़ी हो जाती है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि किसी के पैरों में बहुत गैप होता है, हाथ टेढ़े होते हैं, मतलब वो आपका आपकी हड्डियाँ आपकी जो बॉडी वेट है उसका लोड नहीं ले पाती हैं और इसको फिर बाद में ओवरकम कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग से ही जो है इस चीज़ को इग्नोर ना करें, क्योंकि कैल्शियम एंड विटामिन डी हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए और हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कैल्शियम और विटामिन डी हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और ये हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, इसीलिए ये मसल बिल्डिंग के लिए, मसल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी, हमारे जॉइंट स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम ज़्यादा वेट उठाएंगे और सबको पता है कि जितना ज़्यादा वेट हम उठाएंगे उतना ही हमारा मसल मास बढ़ेगा। तो ये जो सप्लीमेंट है ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं आगे भी ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो सीधे आप तक पहुँच जाए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर कॉमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। बुल फिटनेस ऑफिशियल सेम नाम से इंस्टाग्राम पर भी मेरा पेज है, चैनल है। अब आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, अगर आपको मेरी वीडियोस वैल्यूएबल लगती हैं आपके सपोर्ट से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।